प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों के संरक्षण की। सबसे पहले जानते हैं कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। प्यारे बच्चों, हर वर्ष के मौसम में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खेतों में पैदा होते हैं, परंतु हमें भोजन के लिए इनकी आवश्यकता साल भर रहती है। इसलिए हम विभिन्न तरीकों से खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं। किसी खाद्य पदार्थ को हम एयरटाइट डिब्बों में पैक करके रखते हैं, तो किसी खाद्य पदार्थ को हवा में खुला रखते हैं ताकि वह खराब ना हो। कुछ को बोरियों में भरकर गोदामों में रखते हैं, तो कुछ को फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज अर्थात शीत भंडारण में रखते हैं। आओ जानते हैं कि किसे शीत भंडारण में रखना है और किसे बोरियों में भरकर गोदामों में रखने से सुरक्षित रहता है। जिन खाद्य पदार्थों जैसे सब्जियों, फलों आदि में पानी की मात्रा अधिक होती है, वे गर्मी में जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडारण में रखते हैं। जैसे तरबूज, खरबूजा गर्मी के मौसम के फल हैं। यह गर्मी में ही खेतों में उगते हैं, परंतु हम इन्हें सर्दी, जनवरी की सर्दी में भी बाजार से खरीद सकते हैं। सोचो कैसे? क्योंकि गर्मी में उगे तरबूज और खरबूजे को हम शीत भंडारण में रखकर साल भर सुरक्षित रख सकते हैं और साल भर इसे खरीद कर खा सकते हैं। और हाँ, एक शीत भंडारण हमारे घर में भी होता है, जिसका नाम है फ्रिज। जानते हो ना इसमें क्या क्या रखते हैं? बताओ क्या क्या रखते हैं। हाँ, दूध, सब्जी, ब्रेड, मक्खन, घी आदि। दूसरी ओर जिन खाद्य पदार्थों में पानी नहीं होता, उन्हें हम बोरियों में भरकर गोदामों में रखते हैं। जैसे गेहूं, चावल, दाल, चना, बाजरा, मक्का आदि। बच्चों, इन दोनों विधियों के अलावा भी हम बहुत सारे तरीकों से भोजन का संरक्षण करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि नमक और चीनी के घोल में कीटाणु, जीवाणु नहीं पनप सकते हैं, इसलिए हम फलों में चीनी मिलाकर जैम या मुरब्बा तैयार करते हैं और नमक मिलाकर कई प्रकार के अचार डालते हैं, ताकि हम लंबे समय तक आम, नींबू आदि चीजों का स्वाद ले सकें। इसके अलावा सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सुखा लेते हैं। सब्जियां सूखी होने के कारण, इनमें पानी की कमी होने के कारण यह लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो बच्चों समझ गए ना किसे फ्रिज में रखना है और किसे एयरटाइट डिब्बों में बंद रखना है और किसे खुले में रखना है। बच्चों, जब फ्रिज नहीं होते थे तो लोग दूध, दही और बनी हुई सब्जियों को खराब होने से कैसे बचाते होंगे? आओ देखें। जब फ्रिज नहीं होता था तो दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थ को किस प्रकार पूरे दिन सुरक्षित रखा जाता था? एक चौड़ा और बड़ा बर्तन लिया जाता था, उसमें पानी भरा जाता था। उसके बाद दूध का भरा बर्तन उस पानी भरे बर्तन के अंदर रख दिया जाता था। एक कपड़ा लेकर उसे अच्छे तरीके से पानी में भिगोते थे और इस कपड़े से दूध के बर्तन को अच्छी प्रकार से ढक देते थे और कपड़े के किनारों को नीचे के पानी में डुबो देते हैं। ऐसा करने पर आसपास की गर्मी के कारण कपड़े का पानी वाष्प बनकर उड़ता है, तो वह आसपास की गर्मी को अपने साथ ले जाता है और दूध के बर्तन के आसपास का वातावरण हमेशा ठंडा रहता है, जिसके कारण दूध जल्दी से खराब नहीं होता। आओ एक प्रयोग और करते हैं।
एक टिफिन लेते हैं और एक ब्रेड लेते हैं। ब्रेड को टिफिन में रखकर इसके ऊपर से पानी के कुछ छींटे मारते हैं और इसे ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर देते हैं। अब इसे हम रख देते हैं करीब 7 दिन के लिए। 7 दिन हो गए, आओ इस देखते हैं इस ब्रेड का क्या हाल है। ओहो, क्या हाल हो गया है इस ब्रेड का, और बदबू भी आ रही है। सोचो ऐसा क्यों हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।